भारत से लेकर नेपाल तक राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत की तलाश की जा रही है, लेकिन हनीप्रीत को लेकर अब तक कोई भी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। पिछले कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि हनीप्रीत नेपाल में है। उदयपुर से गिरफ्तार राम रहीम के ड्राइवर प्रदीप ने भी हनीप्रीत के नेपाल में छिपे होने की सूचना दी थी। इसके बाद हरियाणा पुलिस के सोर्सेज ने भी हनीप्रीत को नेपाल में देखने का दावा किया। इस बीच बुधवार को नेपाल में भारतीय नंबर की एक गाड़ी में हनीप्रीत जैसी एक लड़की नजर आई। लड़की के हनीप्रीत होने के शक में नेपाली पुलिस सादी ड्रेस में उसके पास पहुंची और उससे पूछताछ की। हालांकि लड़की के हनीप्रीत होने का पुलिस का शक पूरी तरह गलत निकला। बताया जा रहा है कि लड़की अपनी फैमिली के साथ घूमने आई थी। पुलिस ने उसका नाम पता सीक्रेट रखा है। जिस वक्त पुलिस लड़की से पूछताछ कर रही थी, उस वक्त अफवाह फैली थी कि हनीप्रीत पकड़ी गई है। हालांकि कुछ ही देर में इस अफवाह पर विराम भी लग गया। बता दें कि राम रहीम का नेपाल से काफी पुराना कनेक्शन है, जिस वजह से पुलिस को अब भी हनीप्रीत के नेपाल में ही छिपे होने की आशंका है। लेकिन हनीप्रीत तक पुलिस कैसे पहुँचेगी, ये कहना मुश्किल है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।